नच नच ले, शावा शावा बले बले, किचन में आजा थोड़ा भंगड़ा पाले, आजा नच नच ले, शावा शावा बले बले, भाई किचन में आजा थोड़ा भंगड़ा पाले, कभी भी न रखियो जबान पे लगाम जी, चंगी चंगी डिश घर बनाओ सप्ता माम जी, डांस करियो फिट रहियो मिलाओ मेरे बस स्टेप स्टेप, स्वाद से भरा हैप्पीनेस लाएगा आपका ये बंदा हैप्पी डांसिंग शेप। खट्टा मीठा तीखा बनाना खाना सीखा, खट्टा मीठा तीखा बनाना खाना सीखा, बनाता हूँ मैं डिश ऐसी जो भी खाए वो ही चीखे, एक नंबर एक नंबर एक नंबर एक नंबर। बिल्कुल जी भाई, जो भी हमारे हाथ का एक बार खाना खा लेता है ना, उसके बाद वो चीखता एक नंबर एक नंबर। वो भाई उसके परिवार वाले चीखते, क्या बात है, खाना बनाया आपने, सीखा आपने कहाँ से, आपके फेवरेट सीरीज से हैप्पी डांसिंग शेफ। और मैं हूं शेफ हरपाल सिंह सोखी, मेरे संग है साहिल, और हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, और नमस्कार के साथ शुरू करते हैं बढ़िया सी डिश, बना रहा हूं मैं खट्टा मीठा चिकन, क्योंकि मैं इंस्पायर हुआ हूं थाई और मलेशियन क्यूजीन से। यहाँ पे थोड़ा सा अपना अंदाज है, बस देखिए कैसे बनती है। साहिल भाई आपके लिए लेके आता हूँ, थैंक यू सो मच जी। खट्टा मीठा चिकन करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं लेता हूँ तेल, ये लीजिए तेल ले लिया, बढ़िया। और तेल में डालेंगे जीरा, जी हाँ ये बढ़िया जीरा डाल लेते हैं, और इसके साथ साथ राई, मस्टर्ड सीड्स। और राई जब यू नो फट 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 करेगी, ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाएगी, तब हम इसमें डालेंगे करी पत्ता ढेर सारा, ये लीजिए करी पत्ते के साथ साथ कटा हुआ प्याज, ये बारीक कटा हुआ प्याज भूनेंगे, और प्याज को तब तक भूनें जब तक ये हल्के से गुलाबी ना हो जाए। तो थोड़ी देर भूनना है, कम से कम 2 से 3 मिनट तक। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, ये लीजिए। अब अदरक लहसुन के साथ वापस भूनेंगे हम 2 से 3 मिनट और, ताकि अदरक लहसुन भून जाए और प्याज थोड़ा सा और ब्राउन हो जाए। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर, और टमाटर डाल लिए हैं, अब इसमें डालेंगे अजी नमक। तो शुरू हो जाए, मेरा नमक है बड़ा आला, मैंने चिकन करी में डाला, नाचते गाते डालिए और मजे करिए किचन में। और 4 से 5 मिनट भूनने के बाद अब इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, ये लीजिए, और लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, और अब वापस भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। जब मसाले से तेल छूटने लगे तो समझ जाइए कि ये मसाला बिल्कुल तैयार है। नेक्स्ट स्टेप के लिए बड़े कॉशियसली इमली का पेस्ट, ये लीजिए, और उसके साथ साथ हम डालेंगे जागरी यानी कि गुड़ को डालेंगे, ये देखिए, मिठास के लिए। बहुत ज़्यादा मीठा नहीं करना, एक हल्का सा टिंज लाना मिठास की, ठीक है जी। ये डाल लिया, अब दोनों को मिलाएंगे और पकाएंगे थोड़ी देर। ये देखिए गुड़ मेल्ट हो गया, खट्टी मीठी खुशबू जो है वो बढ़िया आ रही है। वाह, मेरे मुंह में तो पानी आने लग गया। और जब भी ऐसे कभी हो ना तो समझ जाइए जो चीज़ बन रही है वो बिल्कुल स्वादिष्ट बन रही है। अब बोनलेस चिकन ये डाल लेते हैं इसमें, तीन से चार मिनट भूनने के बाद इसमें मैं डालूंगा धनिया बारीक कटा हुआ, मिक्स करते हैं, और अब पानी डालते हैं इसमें क्योंकि करी बना रहे हैं, वाह बढ़िया। ये लीजिए ढक्कन रख दिया, 10 से 12 मिनट तक पकाना है।
जब तक चिकन करी पकती है शेफ गिरी हो जाए। आपको पता है गुड़ और इमली का काम क्या है? डाइजेशन बढ़िया करती है और उसके साथ साथ भूख भी बढ़ाती है। इसलिए तो मैं आपके लिए ये बढ़िया चिकन करी बना रहा हूं, है ना मजेदार? अब जब चिकन बढ़िया ये देखिए पक जाए, क्या बात है, वाह, इसमें करी भी रहे बढ़िया वाली, तो परोसने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। परोसने के लिए मेरे पास सुंदर सा बोल और ये रहा, वाह क्या बात है। वाह, चिकन करी बिल्कुल बढ़िया तैयार, और इस पे गार्निश कर लेते हैं। ये बढ़िया लेमन ये डाल लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा ताज़ा हरा धनिया। डिश बिल्कुल बढ़िया है जी, खट्टी मीठी तीखी, आह मुंह में पानी आया था, और इसके साथ स्टीम राइस मिल जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाए। अजी ऐसी डिशेस बनाते रहता हूँ मैं ताकि आप किचन में जाएं बढ़िया खाना बनाएं। खाना बनाना तो एक बहाना है जी, बस किचन में आप सबको लाना है और नाचना है। अब मुझे इजाज़त दें और एक रेसिपी के संग मिलूंगा, तब तक के लिए हैप्पी डांसिंग शेफ की ओर से नमस्कार, बाय बाय, टाटा।